मामा जी हमारी शादी को 10 साल हो गए। बेटा मैं आपका काम कर देता हूँ। आपकी नन ने ये काम तेरे पे किया हुआ कि मेरी औलाद ना हो। तेरी औलाद ना हो। तो एक शख्स इनका जो है वो बाहर आ रहा है, एक आदमी का औलाद है पहले से। आप शऊर कौमें खुद एतमादी और इज्तिमाई तरक्की को अपना नस्ब उलऐन बनाकर तरक्की और कामरानी की राह पर गामजन होती हैं। इसके बरक्स बेशऊरी, बे एतमादी और बे मकसदियत कौमों को जवाल की जानिब धकेल देती हैं और आम आदमी की जिंदगी में मुताले और तहकीक की जगह तबाहुम परस्ती ले लेती है। ऐसे मुआशरे की अक्सरियत अज़्म और जिद्दोजहद की जगह शॉर्टकट की तलाश में पड़ जाते हैं। यूं हक और बातिल की तमीज खत्म हो जाती है और अवाम अपने दुश्मनों को अपना मसीहा समझने लग जाती है। बेशऊरी और शॉर्टकट की तलाश के नतीजे में सादा लो आवाम जारी आमलीन के चुंगल में फंसते हैं और अक्सर इज्जत और जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। जिल्लत और गुमराही पर मबनी जारी आमलीन और मफाद परस्त तबका धोखादही के जरिए सादा लो आवाम को बेवकूफ बनाकर अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जाली आमलीन में ऐसा कौन सा गुर है कि लोग खुद चल कर उनके नाम निहाद आस्थानों पर जाते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं। गिरफ्त टीम माजी में भी जाली आमिलीन को गिरफ्त में लेने के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम्स कर चुकी है जिनका मकसद हकायक को सामने लाकर आवाम में शऊर बेदार करना है ताकि हक और नाहक की तमीज पैदा की जाए। टीम गिरफ्त को इन्फॉर्मर की जानिब से इत्तला मिली कि एक आमिल काफी तेजी से शोहरत हासिल कर रहा है और इसकी वजह शोहरत बे औलादों को औलाद की नेमत अता करना है। इलावा अजीन लोगों के दीगर मसाइल और बीमारियों के रूहानी इलाज की भी शोहरत थी। माजी के तजर्बात से वाजे था कि तिलस्माती इलाज पर यकीन करना यकीनन बेशऊरी, जहालत और तवहुम परस्ती के सिवा कुछ नहीं था। टीम गिरफ्त ने दो फर्जी किरदार, एक खातून और एक मर्द नुमाइंदे पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी जिनके हमरा खुफिया कैमरा और ऑडियो डिवाइस कर दी गई और इन नुमाइंदों को आस्ताने पर पहुंचा दिया गया। आस्ताना एक मजाफाती इलाके में था। नुमाइंदगान फर्जी जोड़े की सूरत में आस्ताने में दाखिल हुए जहाँ उनकी मुलाकात इस आमिल से हो गयी। आमिल मामूल से हट कर काफी जवान दिखाई दिया। खातून नुमाइंदा ने मन घड़त और फर्जी कहानी सुनाई कि उसकी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं जबकि अब तक औलाद से महरूम है। ये भी बताया कि वो कंबाइन फैमिली के साथ रहती है जिसमें उसकी नंद और देवर की फैमिलियां भी शामिल हैं। सब साहिब औलाद हैं और इनके दरमियान बे औलादी की जिंदगी अजीरन है। मामा जी हमारी शादी को 10 साल हो गए लेकिन हमारी औलाद नहीं होती। मेरे घर में मेरे सास हैं, दो नंदे हैं जिनकी शादी नहीं, एक नंद की शादी हो गई उसके भी बच्चे हैं, मेरे देवर की शादी हो गई उसके भी बच्चे हैं लेकिन बस हमारी औलाद नहीं होती। आमिल ने नुमाइंदे से उसका और उसके ससुर का नाम पूछा और एक कॉपी में हिसाब किताब करने लगा। नाम क्या बेटा? जी मेरा नाम फितरा है, इनका नाम हुसैन है। मेरी सास का नाम अनीसा है, मेरे ससुर का नाम मोइन है। बेटा मैं आपका काम कर देता हूँ, ये बना के मैंने रखा हुआ इसी बात के लिए। तो आपके पास लोग आते रहते हैं पूछने के लिए? हाँ बेटा मैं यही काम करता हूँ। किसी को आर्थिक शिफा हुई या मतलब लोगों ने आके कहा? बेटा हो जाता है अल्लाह की तरफ से,
हिसाब लगाकर बोला कि वो एक तावीज देता है जिससे बेऔलादों को बहुत फायदा पहुंचता है। इस तावीज को एक दिन इस्तेमाल करना और अगले दिन घर के किसी कमसिन बच्चे का पहना हुआ कपड़ा भी साथ ले आना। इसके बाद बेऔलादी की जो भी वजह है वो सामने आ जाएगी और इलाज भी हो जाएगा। आपको मैं दे रहा हूँ कोई चीज बना के, वो चीज आपको इस्तेमाल करनी है, कल फिर मैं बुलाऊंगा आपको। एक दिन के लिए मैं इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूँ, कल फिर मैं आपको बुलाऊंगा बेटा। आपको कल लाना है, पीस भी लाना है, और कोई एक साल का बच्चा हो, उसकी कोई फ्रॉक हो या कोई उसके कपड़े हो। हमारा तो नहीं बच्चा, हमारा तो कोई बच्चा नहीं, नन का बच्चा तो होगा। आमिल के हिसाब किताब की कलई तो एक हद तक खुल गई थी क्योंकि खातून साहिबे औलाद थी, लेकिन आमिल की हकीकत को मजीद बेनकाब करने के लिए उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना जरूरी था। लिहाजा नुमाइंदे के पूछने पर आमिल ने बताया कि बे औलादी के इलाज की 5,000 रुपए फीस होगी। नुमाइंदों ने कहा कि 5,000 की रकम उनके लिए ज्यादा है और क्या गारंटी है कि इस रकम को देने के बाद उन्हें औलाद की नेमत मिल जाएगी। फीस तो हम आपको दे देंगे, लेकिन ये गारंटी है हमारा काम होगा या नहीं। काम होगा ना आपका, क्यों नहीं होगा काम। आमिल का कहना था कि उस पर भरोसा रखो, बहुत से लोगों को इससे फायदा पहुँचा है। मेरे पे भरोसा नहीं होगा, काम नहीं होगा तुम्हारा। मेरे पे भरोसा करना है, जो चीज देना वो इस्तेमाल सही से करना है, और जो मैं बातें बताऊंगा वो बातें आपको सही तरीके से घर में करनी है, इस्तेमाल करनी है, आपको इंशाल्लाह काम हो जाएगा। ये हमारे ऊपर है क्या चीज, यही समझ नहीं आती। वो उसी टाइम मैं आपको बताऊंगा, जिस टाइम मुझे कपड़े ला कर देंगे बच्चों के, मैं फिर दूसरा सिस्टम आपके सामने करके दिखाऊंगा। जो भी मसला होगा वहाँ पता चल जाएगा, बेटा ये आपके जादू टोना है या घर का मसला है या अल्लाह की तरफ से है, कोई भी मसला होगा तो वो कल पता चलेगा। आमिल ने नुमाइंदों को एक तावीज दिया कि इसे एक रात तकिए में रखकर सोएं और अगली मर्तबा फीस और घर के किसी कमसिन बच्ची की पहनी हुई कमीज के हमरा लाएं तो इलाज शुरू कर दिया जाएगा। नुमाइंदे आस्ताने से चल पड़े। ये आपको आपको करना ही है। एक आदमी का औलाद है पहले से, साहब उसका क्या दर्द। अगले दिन नुमाइंदे एक मर्तबा फिर आमिल के आस्ताने में दाखिल हुए। आमिल कमरे में मौजूद था। नुमाइंदों ने आमिल को बताया कि उसके दिए हुए तावीज को सराहने रखा, जबकि घर के एक कमसिन बच्चे के पहने हुए कपड़े भी साथ लाए। ये मेरे नंद की बेटी का है, और जो आपने तावीज लगाया था हमने वैसे ही किया उसको। ऐसे किया। आमिल ने नुमाइंदे से बच्चे के कपड़े लिए और इसे मरोड़ कर हाथ में पकड़कर आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगा। कुछ देर की पढ़ाई के बाद आमिल ने बच्चे का वो कपड़ा एक थैली में डालकर नुमाइंदों को दिया कि ये कपड़ा उसी बच्चे को दोबारा पहना दे। बच्चे को पहना, उसी बच्चे को, हाँ उसी बच्चे को पहना। और इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा बच्चे को? नहीं नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, कोई कोई बात नहीं। बाबा हमें बताओ ना कुछ क्या है, ये तो बताएं कि आपने ये क्यों पढ़ा या मेरी नंद की बेटी का क्यों मनाया आपने। नुमाइंदों ने पूछा कि उनकी बेऔलादी की क्या वजह सामने आई है, तो आमिल ने बताया कि उनके करीबी रिश्तों में से बेऔलादी के लिए बंदिश कराई गई है और बंदिश कराने वाली कोई और नहीं उनकी नंद है। आपका घर का मसला, घर का मसला है? मतलब आपकी नंद होगी,
उसने कोई आपके जादू टोना ताबीज डाले, आपकी नन ने किया, मेरे को इतना शक लग रहा है। शक नहीं है, पक्का है। पक्का है। खातून नुमाइंदा ने आमिल से पूछा कि क्या इसमें शक है या यकीन है। आमिल ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि नंद ने ही बंदिश कराई है, सारी दुनिया उसके आस्ताने पर आती है, अगर यकीन नहीं है तो यहाँ ना आओ, ये काम यकीन करने से ही होगा, लिहाजा मुझ पर यकीन रखो। मुझे बताइए ये पक्का है कि ये मेरी नंद ने किया है या आप खाली अंदाजा लगा रहे हैं? मैं लिख के दे देता हूँ ये आपकी नंद ने किया है। जो मेरे पे भरोसा नहीं है तो लाखों लोग आ रहे हैं मेरे पे, मेरे पास आ रहे हैं, मैंने लाखों लोगों को मैंने सिफारिश दी है। अब मैंने देखा आपकी नंद ने ये काम तेरे पे किया हुआ है, मेरी औलाद ना हो। आमिल ने एक मरतबा फिर तावीज लिख कर दिए और हिदायत की कि इन्हें सराहने रखकर सोना है और पीने के पानी में इस्तेमाल करना है। नुमाइंदों ने आमिल को 5,000 रुपए की फीस दे दी। यकीन करो, यकीन से काम होगा। भाई हम भरोसा करके दे रहे हैं, बस आप हमारे लिए दुआ करो और जो भी आप पढ़ सकते हो पीछे वो हमारे लिए पढ़ो ताकि हमारी जल्द से जल्द औलाद हो जाए। नुमाइंदगान आस्ताने से वापसी पर टीम ग्रिफ्ट के पास पहुंचे और सारी सूरतेहाल से आगाह किया। औलाद न होने का बहाना इससे किया गया था और अब ये पूरा खुल के सामने आ चुका है कि इसके पास कोई इल्म नहीं है, कोई इसके पास ऐसी कोई करिश्मा नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि जिससे ये मसाइल हल कर सके। होता यह है कि ऐसे इस किस्म के जाली जो आमिलीन हैं वो लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हैं और फिर उसके बाद जो है उनसे रकम भी इटते हैं और इसके साथ साथ जो है उनको धोखा दही भी करते हैं। और कुछ अरसे बाद ये क्योंकि एक जगह पे काफ़ी देर तक जब बैठे रहते हैं तो वहाँ पे एक आस्ताना सा क्रिएट कर लेते हैं और फिर धोखा दही करने के बाद ये वहाँ से हट भी जाते हैं क्योंकि लोग उनके साथ कुछ तल्ख कलामी भी हो जाती है लोगों के साथ और ये जो है लोगों के क्योंकि काम नहीं आ पा रहे होते हैं इस वजह से लोग इनके ऊपर से एतबार करना छोड़ देते हैं। तो अब यही कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पर अब इत्तला हमें ये मिली है कि ये कहीं और से आया है ये शख्स और तकरीबन इसको यहाँ पे 3 से 4 माह 5 माह हो चुके हैं। अब ये तैयारी कर रहा है कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ऐसे जालसाज आमिलीन अपने तजर्बे की रोशनी में किसी भी शख्स की किसी दूसरे शख्स के लिए नागवारी का अंदाजा लगा लेते हैं और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए घरों और रिश्तेदारों की आपस में लड़ाई झगड़े करवाने से ही उनका कारोबार तकवीत को पहुँचता है। बच्चा मांगा, बच्चा दिया उसने। वो तो बच्चों का काम हुआ था। आपके कहाँ है इसके अंदर फीस वगैरह कहाँ है? कुछ 1 रुपये में 60 रुपये से सी। डेढ़ माह का अरसा गुजरने के बाद नुमाइंदगान तीसरी मरतबा आस्ताने में दाखिल हुए। आमिल सवालियों के दरमियान घिरा हुआ था। नुमाइंदगान का नंबर आया तो खातून नुमाइंदा ने आमिल से सवाल किया कि डेढ़ माह का अरसा गुजर चुका है लेकिन औलाद की कोई उम्मीद सामने नहीं आई है बल्कि जिस नंद पर बंदिश का इल्जाम लगाया था वो उम्मीद से हो चुकी है। तावीज़ भी पिए, तकिए के नीचे भी रखती है रोज, कुछ भी नहीं हुआ। पढ़ के लिख के दूंगा तुमको तो काम हो जाएगा। पहले भी तो आपने 2 बार पढ़ के लिख के दिया, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई तो फायदा नजर आता ना। सारी दुनिया मेरे पास, मेरी नंद के फिर होने वाला है, उसके फिर होने वाला है। आमिल बजाय सवाल का जवाब देने के इधर उधर की बातें करने लगा कि सारी दुनिया उसके आस्ताने पर आती है, काम हो जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। टाइम तो लगेगा ना। तो आपने तो 1.5 महीने का बोला था ना। हाँ। तो 1.5 महीने में तुम्हें इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा, मेरे बजाय मेरी नंद के हो गया। जिसका आप बोले थे ना, जिसने किए उसका हो गया।
इसका बाबू जो मैंने चीजें आपको दी थी सही तरीके से इस्तेमाल तो नहीं है। नुमाइंदगान के ज्यादा पूछने पर आमिल ने उल्टी इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि तुम लोगों ने हिदायत पर सही अमल नहीं किया होगा, इसलिए अब तक काम नहीं हुआ। फिर कहने लगा कि दम कर देता हूँ, काम हो जाएगा। आमिल आएं बाएं शाएं कर रहा था, नुमाइंदे ने मौका गनीमत जाना और टीम गिरफ्त को आस्ताने में कार्रवाई का इशारा दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमें इशारा मिल चुका है कि इस जाली आमिल की तरफ जाना है, तो हम चलते हैं। यही करीब इसका आस्ताना है, बहुत ही गरीब बस्ती है आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये इसका आस्ताना आमिल का जो हमें जगह बताई गई थी। नाज़रीन, क्योंकि जो है यहाँ पे तीसरी बार हमारे नुमाइंदों को बुलाया गया और अब देखना ये है कि इससे तीसरी बार क्या डिमांड करते हैं। इससे पहले ये कपड़े मंगवा चुके हैं, उसके ऊपर कुछ पढ़ के दे चुका है और इसी तरीके से तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये की रकम भी जो है वो इन्होंने ले ली है हमारे नुमाइंदों से। अब तीसरी बार ये क्या मुकालबा कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं और अब के ये क्या बहाना करेंगे, क्योंकि जो इनकी हकीकत है वो खुल के सामने आ चुकी है कि इनसे कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है और जो आसपास के लोग हैं वो भी जमा हो रहे हैं। ये गरीब आबादी है जिसके अंदर तालीम का भी फुकदान है। इन लोगों को इस बात की समझ भी नहीं है कि किस तरीके से जो है ये शख्स इनको जो है वो बेवकूफ़ बना रहा है। एक शख्स इनका जो है वो बाहर आ रहा है दरवाजा खोलने के लिए। वालेकुम। हाँ जी, ये बताएं आप यहाँ पे अमल वगैरह करते हैं? रूहानी इलाज करते हैं। रूहानी इलाज में क्या क्या करते हैं? रूहानी इलाज में बच्चे किसी को बच्चे की होती है, किसी को घर वाली की होती है। ये जो लोग बैठे हैं आपके पास, ये कौन है? ये भी आए ना बाबा के पास उन्हीं के लेके। अच्छा, तो आप क्या क्या काम करते हैं? हम लोग यही काम करते हैं जो ये आ गया, मतलब इसको हम लोग दे देते हैं। अच्छा, हिसाब किताब भी लगाते हैं? कॉपी वगैरह रखी हुई है? अच्छा, दिखाइएगा ज़रा क्या हिसाब किताब लगा है। इसमें क्या दिखाएं, हम तो फीस लेते हैं जो तो फीस का हिसाब किताब रखते हैं आप? हाँ ना, फीस का भी। अच्छा, दिखा तो देंगे ज़रा थोड़ा। ये लो देख लो, क्या फीस ली है आपने? ये तो बच्चों की कॉपी है जिसके अंदर वो उन्होंने बच्चों ने काम किया हुआ। नहीं, बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का काम है इसके अंदर। प्रोग्राम मेजबान ने जब आमिल की हिसाब किताब वाली कॉपी देखी तो इसमें किसी बच्चे की तहरीरी मशकें दिखाई दी, यानी वो हिसाब किताब भी सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए था। वो तो बच्चों का काम होगा, आपके कहाँ है इसके अंदर फीस वगैरह? कहाँ है फीस? हम लेते हैं, उन लोगों पे खर्च करते हैं। क्या खर्च करते हैं? मतलब हम जाते हैं कपड़े गुस्तान में, उन लोगों को उसके कपड़े लेते हैं वगैरह करते हैं। आमिल का कहना था कि नुमाइंदगान से ली हुई रूहानी इलाज की फीस उनके अमलियात पर ही खर्च की जा चुकी थी, कब्रिस्तान में अमलियात के लिए सामान पर खर्चा हुआ था। चिल्ला काट रहे हैं? हाँ, चिल्ला भी काटते हैं हम लोग, उन लोगों को शिफा करके देते हैं। ये लोग भी आए। अच्छा, किस चीज़ का आप इलाज कर लेते हैं? हम लोग ही इसका इलाज कर लेते हैं, कोई इसको बच्चा नहीं होता है और बीमार हो जाता है जिसकी डॉक्टर में दवाई नहीं लगती है। अभी इनका भी इलाज किया आपने? सामने लोग बैठे। हाँ, हमने इसका भी इलाज किया। क्या इलाज किया? इसको बच्चे की जरूरत थी। तो आपने क्या किया? हमने इसको ताबिश वाबिश बना के दिया, 5,000 पीस हमने इससे लिया, वो उन पर हम लोगों ने खर्च किया। क्या खर्च किया आपने? उन पर खर्च किया है, हमने जाते हैं कब्रिस्तान में, हम लोग चिल्ले काटते हैं और उधर सामान ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, रूहानी इलाज करते हैं, उन लोगों से पैसे लेते हैं, जो देते हैं, जो होता है वो लेके जाते हैं। हम लोग कब्रिस्तान में गोश्त वगैरह भी कुर्बानी जाके बकरा बकरा लेके हम कुर्बानी करते हैं, कब्रिस्तान के अंदर कुर्बानी करते हैं कार के उधर हम लोग
देना पड़ता है हमको। किसको देना पड़ता है? मुर्शद होता है उसको देना पड़ता है अल्लाह की वापस की तरफ से, जब कार के लिए। तो मतलब आप सदका वगैरह करेंगे? सदका करते हैं। सदका करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर आते हैं वहाँ से, फिर देखते हैं खुदा की तरफ से, फिर देखते हैं उनका काम हो जाता है। अच्छा, काम हो जाता है। करीब बैठा हुआ आमिल का एक मुरीद बोल पड़ा कि उसने बाबा से बच्चा मांगा था और बाबा ने उसे बच्चा दे दिया था। ये आपका कोई काम हुआ भाई? हुआ। क्या काम हुआ? काम ये हुआ, बच्चा मांगा, बच्चा दिया उसने। खर्चा लगता है उस पर, मेहनत लगती है, बनाना पड़ता है उसको। कौन सी बूटी लाते हैं? वो जाते हैं बूटी लाते हैं बाहर से हम लोग। कौन सी बाहर से? बलूचिस्तान की साइड पे मिलती है बूटी, खुदा की तरफ से वो पैदा होती, बीज वीज नहीं होता है उसका। दूसरा बोला कि वो मरीज था, बाबा ने उसे रूहानी बूटी दी और वो सेहतयाब हो गया था। इनने कुछ पहाड़ी बूटी की दवाई गोलियां बना के दी, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ था। सही। लेकिन अल्लाह के हुक्म से, ये बाबा के हुक्म से हमने इस्तेमाल किया, तब कुछ एक रुपये में 60 हम हमारे सही सही हो गया। अच्छा, सेहत के भी इलाज करते हैं? सेहत का भी इलाज करते हैं, वो खुदा की तरफ से होता है, पर हम दवाई बना के देते हैं। हकीम वगैरह का भी काम किया आपने? हाँ, करते थे, हकीम का भी काम करते थे। तो इतने सारे काम आपने इतनी सी उम्र में कर लिए? बाबा है ना हम लोग, हम पे शक कर रहे हो क्या आप? शक तो होगा, क्योंकि आपने ये तस्वीरें कुछ इधर लगाई हुई हैं, कुछ वो मुख्तलिफ उधर लगाई हुई हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप हो क्या। आपको इसको पता है कि इसको तो औलाद है पहले ही? पता है आपको? ये बात पता नहीं थी हमको। एक आदमी का औलाद है पहले से। हकीम वगैरह का भी काम किया आपने? हाँ, करते थे, हकीम का भी काम करते थे। तो इतने सारे काम आपने इतनी सी उम्र में कर लिए? बाबा है ना हम लोग, हम पे शक कर रहे हो क्या आप? शक तो होगा, क्योंकि आपने ये तस्वीरें कुछ इधर लगाई हुई हैं, कुछ वो मुख्तलिफ उधर लगाई हुई हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है कि आप हो क्या। बूटी का नाम जो ये आमिल अपने मुरीदों को दिया करता था, वो भी इस आमिल की तरह मुजिका खेज था, यानी मंजन बूटी। ये बताएं फिर, बूटी वगैरह आप जो लेकर आते हो उसको किस तरीके से बनाते हो भाई? बूटी वो हम लोग बनाते हैं, वो ले जाते हैं हम लोग। अच्छा, कौन सी बूटी होती है, नाम बता दो। मंजन, मंजन, मंजन बोलते हैं। मंजन बोलते हैं उसको। अच्छा, चले जाओ आप, मेरा दिमाग खराब। अच्छा नहीं, बस ये बता दो, ये इनका जो है वो इलाज हुआ है? हाँ, इसका इलाज हो जाएगा, इसको पूछ लो। भाई साहब आए, उनका भी मैंने काम किया है, उनका भी किया है। क्या क्या काम किया? वो भाई से पूछो आप। भाई से तो बताया उसने, उसने तो कहा आपने कोई काम नहीं किया। होएगा काम, होएगा। चलो जाओ आप, चले जाओ आप, आप चले जाओ, हमारे को छोड़ दो यहाँ से। हम छोड़ देंगे, लेकिन ये बता दो इनका काम हो गया क्या? इनसे जो चीज देगा उनका काम। क्या काम करोगे? मंजन बूटी बाहर से लाके बना के देंगे उन्हों को। सारी बूटी एक ही? इसको भी यही बूटी दे रहे हो, उसको भी वही बूटी दे रहे हो, उसको भी वही बूटी दे रहे हो? अलग बूटी लाके देंगे। आप चले जाओ, हमारे को दवाई वगैरह लेनी है बाबा से। तो आप कहीं तो इलाज के लिए आए हुए भाई? बाबा तुम करते रहोगे तो बैठा रहेगा, सारा टाइम चला जाएगा, दिमाग घूम रहा है। चले जाओ, हम दवाई बूटी लेंगे, हम बैठे। कौन सी बूटी लोगे? वो जो दवाई देता है, सफा देता है, वो लेके चले जाएंगे हम। अच्छा, सबको लेने के लिए यार, एक अपना ले लिया ना, जाओ हमारे काम है जो कुछ करने दो भाई। तो काम आपका क्या है? ये तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको भी ये बूटी दे रहा है और वो हमने आपको बता दिया ना भाई, जो कुछ अलग तरफ से जो कुछ कर रहा है दवाई दारू, ये जो यूनानी दवाई देता है, हकीमी दवाई देता है, पहाड़ी जी दवाई बूटियाँ जब कुछ हमने खाया। बूटियाँ दिखा सकते हो मुझे? अभी यहाँ पे नहीं है मेरे पास। फिर कहाँ है? ये सर जाता हूँ ना, मैं तावीज़ दिए बना के, डेढ़ महीने में आपकी औलाद हो जाएगी। ये तावीज़? ये क्या है? इस पे क्या लिखा है? कौन सी दुआ लिखी है इस पे? ये आपने दिया है? ये मैंने बना के दिया था तावीज़, मैंने फीस ली थी उनसे। कितनी फीस ली थी? 5,000 की फीस। और आपसे कितनी ली थी भाई? आपसे कितनी फीस ली थी?
आमिल के पास किसी सवाल का कोई माकूल जवाब न था। उसने अपनी दुकान खराब होती हुई देखी तो एकदम बदतमीजी पर उतर आया। मुरीदों को भी शय मिल गई और वो भी हंगामा आराई पर उतर आए। वो खर्च हो गया, हम लोगों ने कुर्बानी काटे, गोश्त मोश काटे, खा गए। कौन सी कुर्बानी कर रहे? आप धक्के क्यों दे रहे? धक्के नहीं दो, आराम से देखो, हमने आपसे कोई बदतमीजी की है? हमारा दिमाग दे, हम चले जाए, हमारा टाइम जाया होता है, साल में कितने आते अभी नहीं आए, नहीं अभी नहीं। बाबा किसी से नाराज हुआ है? मुरीदों का कहना था कि उनके मुर्शिद की तौहीन न की जाए क्योंकि वो हमारे बाबा हैं। प्रोग्राम मेजबान ने जाली आमिल को बताया कि खातून नुमाइंदा गिरफ्त टीम की भेजी हुई कारकुन थी और वो पहले से ही साहिब औलाद थी। आपको इसको पता है कि इसको तो औलाद है पहले ही? पता है आपको? ये बात पता नहीं थी हमको। नहीं पता थी तो आपने कैसे किया कि काम कर दूंगा आपको, आपको औलाद हो जाएगी? और ये झूठी कहानी सिर्फ इसकी हकीकत को बेनकाब करने के लिए सजाई गई थी। आमिल ये बात सुनकर बिल्कुल ही बेकाबू हो गया और धक्के देने पर उतर आया। मुरीदेन ने इसकी जहालत का भरपूर साथ दिया। जाली आमिल का बस न चला तो वो डंडा लेकर आ गया। एक आदमी को औलाद है पहले से, औलाद करा देगा। बाबा बहुत पूछने वाला, सबको कर देता है, अल्लाह तो मालिक है। लेकिन निकलो। पहले से अगर किसी को औलाद हो ये दोबारा से औलाद कर देगा वो अल्लाह दे देगा बाबा बहुत। तो इसका कौन सा कमाल हो गया इसमें? बाबा नूरानी आला है, मंजन है? जा सकते हो भाई आप? तो तबीयत आपकी सही नहीं लग रही। तबीयत सही लग रही? आपने बिगाड़ दी मेरी तबीयत। क्या बिगाड़ी मैंने? नहीं, अपने कुछ दारू दवा लिए ने, हमें खरीदने दिए। बाबा बीच में तुम तो आ जाओ, तुम्हारे डाल दिया भाई, रोला डाल दिया यार, तुमने बीच में आ गई। धीरे पहले तुम्हारी तबीयत सच नहीं, अब रोला डाल, क्या फायदा पड़ा? अच्छा कुछ फर्क ये आपको? आपको फर्क मिला? मेरे को फर्क मिला सर, तुम्हें आ रहा मुझे तो आपका फर्क पता ही नहीं चल रहा। आप उसका क्या दौर बोला? अब ये कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं क्योंकि, और आपने देख लिया कि किस तरीके से इनके साथ जो लोग हैं वो इनका क्या बिहेवियर है, किस तरीके से जो है वो बात कर रहे हैं और इन किस तरीके से हमारे अब पीछे आ रहे हैं। तो ये है इन लोगों की सबकी हकीकत के ये इनके पास कोई रूहानी इल्म नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, कुछ नहीं। तो बाबे को तंग करने से क्या होता है? बाबा गुस्से में आ जाता है। तो आप लोगों ने क्या किया फिर? हमारा तो काम बना। तो आप लोग तो बदतमीजी कर रहे हो, बाकायदा से हमें धक्के दे रहे हो। बाबा बोल रहे, बाबा गुस्से के अंदर आ गया, क्या करें अभी उसको, बाबा किसी की मानता नहीं है। आस्ताने के बाहर भी रश लगना शुरू हो गया था। इस सूरत हाल में किसी भी नाखुशगवार वाकये की तवक्को की जा सकती थी, लिहाजा टीम गिरफ्त ने यहाँ से रवाना होने का फैसला कर लिया। नाजरीन यहाँ पे आपने देखा इन लोगों का क्या बिहेवियर है, और क्योंकि तालीमी एतबार से ये भी पीछे है और ज़हनी सतह के एतबार से भी ये पीछे है, तो इनका क्योंकि ये रश भी काफ़ी जमा कर लिया है। अभी आगे कोई इससे पहले कि हमारे साथ कोई हादसा पेश आए तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं। ये इस तरीके के बाबा, जैसे आपने देखा कि नाजरीन इस तरीके के बाबा जो है वो ऐसी कच्ची बस्तियों में बैठते हैं जहाँ पे इनके प्रोटेक्टर भी काफ़ी सारे होते हैं, इनके सपोर्टर्स भी होते हैं, और कोई भी इस तरीके से इनके पास कोई रेड करने आ जाए, कोई उनको पूछने आ जाए कि वो क्या काम कर रहे हैं, आवाम को किस तरीके से धोखा दे रहे हैं, तो वो फिर इसी तरीके के रिएक्शंस जो है वो सामने आते हैं। अब इनकी पूरी बस्ती जो है वो चंद लम्हों में जो है उनके घर के बाहर आस्ताने के बाद जो है वो जमा होनी शुरू हो गई थी, और इसी लिहाज से जो है लोग हमें धक्के भी दे रहे थे और बदतमीज़ी भी कर रहे थे। कमाई का एक धंधा जो है इन्होंने वो लगाया हुआ है, वो ये इसकी सपोर्ट में काम करते रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इन जाली आमिलीन के ख़िलाफ़ जो है वो कानून सख्त से सख्त बनाए जाएँ, और जो आजकल हालिया इनके ऊपर जो शिकें और कानून लागू होते हैं वो 420 का कानून है, जिसके बाद जो है इनकी शख्सी ज़मानत हो जाती है और ये एक दिन में जो है वो बाहर होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती और इनको एक जो करार वाकई सज़ा है वो नहीं मिल पाती है। कानून को अगर बेहतर किया जाए तो
इस जैसे नासूर जो है वो माशरे में कम होंगे। जाली आमिलों की दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद और फरोग में बेशऊरी और अंधी अकीदत का हाथ है, और आमिलीन की जालसाजी सर चढ़कर क्यों ना बोले, जबकि दीवारों और अखबारों में जालसाज आमिलीन के इश्तिहार भरे रहते हैं। शुक्रिया अदा करना होगा बरसर इक्तदार सरमायादारियत और जमींदारी का, जिन्होंने अपने इक्तदार को बचाने और आम आदमी को इक्तदार से दूर रखने के लिए अवाम को तालीम और शऊर से दूर रखा। जाहिर है अगर अवाम को इल्म और शऊर से आरास्ता कर दिया जाए तो अरबाब इक्तदार बिना खिदमत के वोट कैसे हासिल कर सकेंगे। जब तक बेशऊरी और तवहुम परस्ती जैसे मसाइल पर काबू नहीं पाया जाएगा, जाली आमिलीन जैसे मकरूह किरदार अपना अंधा कारोबार इसी तरह चमकाते रहेंगे। टीम गिरफ्त अरबाब इख्तियार से अपील करती है कि खुदारा अवाम पर रहम खाएं और जाली आमिलीन के खिलाफ कानून साजी करके इनके नाम निहाद आस्तानों पर पाबंदी आयद की जाए। जब तक अवाम के शऊर और आगही का हक अदा नहीं किया जाता, टीम गिरफ्त जालसाजों के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी।